हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं नीरज राय ब्लॉग। और आज हम लोग हैं बिहार की राजधानी पटना में, और आज आपको दर्शन करवाएंगे पटना हनुमान मंदिर का, जो कि पूरे भारत में जो एक सुप्रसिद्ध महावीर हनुमान जी का मंदिर है। तो आज इस वीडियो में आपको इस मंदिर का पूरा टूर करवाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो इधर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पटना हनुमान मंदिर है, और हम लोग यहाँ पर पटना मंदिर के जस्ट बाहर रेलवे स्टेशन के पास हैं, और अब हम आपको लेकर के चलते हैं पटना के इस महावीर मंदिर के अंदर। और आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, इसका एक ट्रस्ट है जिसमें कि महावीर के ये सब जो है इस समिति के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। और अब हम लोग जो है मंदिर के अंदर चल रहे हैं, और आपको जो है दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का। और अंदर का के जितने भी दार्शनिक स्थल हैं वो सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो है आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ से जो है एक गेट देख सकते हैं, ये गेट है बना हुआ, और आगे अंदर जाने का रास्ता जो है आगे से है। यहाँ पर आप अपने चप्पल जूते को जो है रख सकते हैं, और आगे से जो है यहाँ पर ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। और आप यहाँ पर जो है फूल माला ले सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप नैवेद्यम जो है एक यहाँ का चढ़ावा है, आप वो यहाँ पर ले सकते हैं इस काउंटर पर। और हम लोग अब अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये गेट अंदर की तरफ जो है हम लोग मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, और अब अंदर चलते हैं और आपको जो है दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का। ये आप बाहर से जो है इस मंदिर को देख सकते हैं, ये 3 फ्लोर का जो है मंदिर है, और आपको जो है बारी बारी से हम 3 फ्लोर पर बने हुए मूर्तियों का जो है दर्शन करवाएंगे। तो श्रद्धालुओं का जो है काफ़ी भीड़ है, आज सोमवार का दिन है, और यहाँ पर जो है काफ़ी श्रद्धालु लोग जो है एकत्रित हुए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी का जो है सामने में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हनुमान जी का 2 मूर्ति जो है बना हुआ है, और दोनों मूर्ति का जो विशेषता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार में जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं, और एक और इधर देख सकते हैं, ये हनुमान जी का जो है ये विग्रह का रूप जो है यहाँ पर बताया गया है। तो श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इधर जो है यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग जो है पाठ करते हुए इनको देख सकते हैं आप। और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, हम लोग हनुमान जी का दर्शन कर रहे थे, और आपको जो है अब ऊपर के फ्लोर पर लेकर चलते हैं। और तो नीचे में जो है एक शिवलिंग यहाँ पर और बना हुआ है, और हम आपको जो है उस शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं, जो कि जस्ट हनुमान जी के मंदिर के बगल में बना हुआ है। हम लोग अभी हनुमान जी मंदिर के जस्ट पीछे साइड में हैं, और यहाँ पर जो ये शिवलिंग बना हुआ है हम उसका दर्शन आपको करवाते हैं। तो इधर देख सकते हैं, ये
यहाँ पर ये शिवलिंग बना हुआ है और इधर से जो है आप देख सकते हैं ये हनुमान जी का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है ऊपर चलेंगे और ऊपर पर बने हुए सारे देवी देवताओं के मूर्तियों का दर्शन करेंगे। ऊपर पर जो है राम जी का, कृष्ण जी का, दुर्गा जी का और शिव जी का जो है मूर्ति ऊपर लगा हुआ है। हम आपको जो है पूरा दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं दूसरे फ्लोर पर और दूसरे फ्लोर पर आने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये बिल्डिंग बना हुआ है और यहाँ पर हम आपको बारी बारी से सारे मूर्तियों का दर्शन करवाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये राम लक्ष्मण जी का जो है मूर्ति बना हुआ है। इसमें सबड़ी के साथ जो है राम जी को बेर खिलाने का प्रसंग को दिखाने का प्रयास किया गया है और हम आपको कृष्ण जी का दर्शन करवाते हैं। इधर कृष्ण जी को देख सकते हैं आप। ये कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे थे, ये इस मूर्ति में जो है उसी दृश्य को जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। और इधर बगल में है दुर्गा माता का मूर्ति और इधर दुर्गा जी का जो है आप दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी भव्य जो है ये मूर्ति इधर यहाँ पर बना हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिव जी का जो है मूर्ति बना हुआ है और शिवलिंग भी जो है यहाँ पर स्थापित है और माता पार्वती जी जो है इनके पूजा में ध्यानमग्न हैं और इधर नंदी महाराज का भी मूर्ति यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पूरे शीशे के फ्रेम में जो है इस फ्रेम को देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा जो है फ्रेमिंग किया हुआ है। तो इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रामायण मंदिर है, उसका जो है एक प्रतीक यहाँ पर रखा गया है इस मंदिर के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस सेकेंड फ्लोर के जो है सारे मूर्तियों का हमने आपको दर्शन करवा दिया है और आगे चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर एक कलश बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये कलश है यहाँ पर। और आपको जो है हम सबसे ऊपरे फ्लोर पर लेकर के चलते हैं और वहाँ से जो है आपको इस मंदिर के चारों तरफ का जो है दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं सबसे ऊपरी फ्लोर पर और ऊपर फ्लोर का जो है दृश्य इस प्रकार से है और यहाँ पर जो है एक यज्ञशाला बना हुआ है। यहाँ पर जो है मल्टीपर्पज़ से जो है हर तरह का कार्य निपटा किया जाता है। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसको जो है यहाँ पर संपन्न किया जाता है इस ऊपरी फ्लोर पर। और मंदिर के सामने का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मंदिर के नीचे का जो दृश्य है और मंदिर के सामने का गेट देख सकते हैं और ये सामने से जो है रोड है और एक ब्रिज भी जो है यहाँ पर मंदिर के सामने में बना हुआ है। और आपको जो है मंदिर के जस्ट पीछे बने हुए पटना जंक्शन का दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पटना जंक्शन को आप इधर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग दर्शन कर रहे थे पटना के महावीर हनुमान मंदिर का, जो कि भारत के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और बिहार का तो ये सुप्रसिद्ध मंदिर है ही। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक व्यूअर्स भी जो है पेज को फॉलो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।